हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया 1.5 का जो अपडेट है उसके बारे में, डाउनलोड अपडेट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये तो करेक्टन पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका, वो मतलब ये नोटिफाई किया था कि 6 जुलाई को अपडेट होगा, फिर इसको बढ़ाकर 9 जुलाई किया, लेकिन उसके बाद अब न्यूज नहीं आ रहा है कि मतलब कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में। तो ये अब न्यूज निकल कर कि 14 जुलाई को हो सकता है, शाम तक 7:30 बजे 8 बजे के बीच में इसी समय अपडेशन इसका आ सकता है। इसमें बहुत सारे नए फ्यूचर्स भी जोड़े जाएंगे, जैसे कि न्यू ग्राफिन मैप होगा, शेडिंग फ्यूचर्स होगा, अब अपग्रेडेड ट्रेनिंग ग्राउंड होगा जो, और इसमें दो तरह के नए वेपन जो हैं वो भी जोड़े जा रहे हैं, वो भी बहुत सारे अपडेट होंगे। और इसमें जो है इसमें दो सीजन भी लाया जा रहा है, एक है रॉयल पास सेशन और एक है रॉयल पास सीजन। रॉयल पास सेशन जो है ये 14 जुलाई के बाद जो अपडेट होगा उसी में नया जोड़ा जाएगा, जो कि है इसमें है जो कि रॉयल पास एक मंथ का होगा, हर एक माह में ख़त्म होता रहेगा अपना एक माह के लिए सेशन में। और इस सीजन में है कि एक साइकिल की तरह होगा, इसमें एक साइकिल में आपके लिए रिवार्ड्स लीजिए, और एक हर एक 3 सेशन में एक ख़त्म होगा, 3 सीजन का होगा या मनाई। तो यहीं जो है नया में आ रहा है रॉयल पास सेशन और रॉयल पास सीजन जो है न्यू अपग्रेडेड में आएगा। और रॉयल पास सेशन में आप खेलते रहिए, इसमें एक साइकिल हो गया, अब उस साइकिल में खेलिए जीतिए रिवार्ड्स लीजिए, और एक साइकिल हो 3 सीजन में ख़त्म होगा जो है रॉयल पास सेशन। इसका अपग्रेशन जो है सुबह में आ जाएगा, लगभग 7 से 8 बजे के तक एम में सुबह में आ सकता है। और इसमें जो अपडेशन है उसमें होता है कि एपिक की जो है 9 MB का होगा, और जो डाउनलोड अपडेट होगा उस 16/619 MB का होगा इसमें है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है अब नहीं कर, इसमें एक यह भी है कि टेस्ला का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है कि इसमें टेस्ला भी जुड़ सकता है, अब देखिए आता है तो क्या होता है। हाँ दोस्तों, यही अब न्यूज था, बहुत सारे लोग इस पर सर्च कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। और एक ये भी न्यूज है कि दोस्तों इधर उधर से डाउनलोड मत करिए, मान लीजिए अलग अलग तरह का जो है वेबसाइट है, एक करा कि यहाँ से डाउनलोड कीजिए यहाँ, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसका ऑफिशियल अपडेशन तो आया नहीं है। मान लीजिए आप अपडेट किया और आपका ID को कैंसिल कर दिया, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फिर अब किस काम के लिए अपडेट किए थे और क्या हो जाएगा, इसलिए आप मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप 2-3 दिन जो है समय उसमें वेट कीजिए, जो नया वर्जन है PUBG का वहीं खेलिए, BGMI का वहीं खेलिए, अपडेशन जो आएगा ऑफिशियल उसी से आपके अपडेट कीजिए और दूसरे तरह से अपडेट मत कीजिए। तो दोस्तों इतना ही न्यूज था। अब लास्ट में चाह रहा हूँ कि आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर दें कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस रिलेटेड क्या चाहते हैं, ये ज़रूर आप कमेंट करें। थैंक्स।